हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहार, एस के ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज है बसंत पंचमी, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे अब की बार बसंत पंचमी 2 दिन मनाई गई है, 29 और 30, हमने आज ही मनाई है। तो आज का ब्लॉग्स मैंने सुबह 7 बजे शुरू किया है। वीरवार है तो मशीन तो आज मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वीरवार के दिन मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो सुबह डेली रूटीन के काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं और आज मैंने सुबह नीटिंग नहीं की है, मैं पहले ही सफाई में लग गई हूँ। क्योंकि बसंत पंचमी है तो मैं खीर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछ लिया था कि खीर खानी है या हलवा खाना है, तो बच्चों ने कहा था कि खीर बना देना। त्यौहार के दिन मैं हमेशा ही नहा धोकर खाना बनाती हूँ, बगैर नहाए नहीं बनाती हूँ। वैसे तो हमारा शास्त्र यही कहता है कि नहा धोकर ही रसोई बनानी चाहिए, पर ये नियम मैं डेली नहीं निभा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं नहा धो के रसोई नहीं बना पाती हूँ। लेकिन त्यौहार हो या जैसे श्राद्ध लगते हैं तब मैं नहा धोकर ही खाना बनाती हूँ। तो अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। और इधर ये है कि अनुज भी ट्यूशन पर चला गया, इसके पापा दुकान पर चले गए, विशाल अभी सो रहा है तो मैं इसको भी नहीं उठाऊँगी, क्योंकि ये उठ जाएगा तो फिर कंप्यूटर पे बैठ जाएगा और इनके कमरे की सफाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मैं इनके उठने से पहले ही आज इनके कमरे की अच्छे से सफाई कर दूंगी। और इनकी मेज पर भी है ना डस्ट हो रही है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी एक एक सामान उठा करके। और जब ये बैठ जाते हैं ना तो फिर चेयर हटा हटा के इधर इनको बार बार करना पड़ता है, तब मैं वहाँ से झाड़ू लगा पाती हूँ और पोछा लगा पाती हूँ। आज बिल्कुल खाली है, ये सो रहा है, वो ट्यूशन चला गया, तो अब मैं झाड़ू लगा दूंगी और पोछा लगा दूंगी, फिर ये सूख भी जाएगा। ये भी होता है ना कि पोछा लगाने के बाद जैसे बच्चे इधर चले गए या उधर चले गए तो फिर पैरों के निशान भी हो जाते हैं। तो अब कोई है नहीं, जब तक वो ट्यूशन से आएगा और ये सो के उठेगा तब तक मेरा पोछा भी सूख जाएगा। और मैं रसोई की क्लीनिंग भी अभी नहाने से पहले करूँगी, क्योंकि त्यौहार है तो मुझे रसोई बनाने से पहले यहाँ पे सफाई कर देनी है। तो मैं गैस साफ़ कर दूँगी और स्लेप अच्छे से साफ़ कर दूँगी, तवा वगैरह सब धो धा के पहले ही रख दूँगी। और खीर बनानी है तो नहाने से पहले जैसे चावल साफ़ कर दूँगी मैं, और फिर नहा के और बाद में मैं खीर बनाऊँगी। मैं अपनी यहाँ पे सारी सफाई को ख़त्म कर लूँगी। वैसे ना सफाई करने में मुझे ये लगा लो कि आधा घंटा तो झाड़ू लगाने में ही लग जाता है, इतना बड़ा ये घर हो जाता है, पीछे से लेकर आगे गली तक साफ़ करना होता है। फिर पोछा लगाती हूँ, आधा घंटा पोछा लगाने में, 1 से 1.25 घंटा मेरा झाड़ू पोछे में लग जाता है, बहुत टाइम लगता है सफाई करने में। ये काम भी डेली का ही है और मैं अपने काम है ना खुद ही करती हूँ, मैंने काम वाली नहीं लगाई हुई है, मुझे काम पसंद नहीं आता है भैया से, जो मैं अपने हाथों से काम करती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर अपने सारे काम ख़त्म करके नहा के फिर मिलती हूँ आपसे रसोई में। और मुझे करनी है आपसे कुछ फिर बातें, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, खीर बनाने के बाद फिर आपसे कुछ बातें भी करनी है। तो फ्रेंड्स, सब काम करके नहा धो के और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। आज मैं खीर बनाऊँगी, बसंत पंचमी है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। मैंने बच्चों से पूछा था कि खीर बनाऊंगी या हलवा, तो बच्चों ने कहा कि आज खीर ही बना लेना, हलवा अभी कुछ दिन पहले ही खाया था, तो आज मैं खीर बनाऊंगी और उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। आज बसंत पंचमी है तो देखिए मैंने अपना पीले वाला सूट डाल लिया है। वैसे भी ये कलर ना मुझे बहुत ही पसंद है, येलो कलर मेरा फेवरेट कलर है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरा तो ये सबसे फेवरेट है। बाकी मैं सब कलर के सूट डाल लेती हूँ लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट है। तो चलिए अब खीर बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खीर बनाने के लिए मैंने ये स्पेशल वाले चावल लिए हैं, क्योंकि ये जो चावल है ये इससे सिर्फ खीर ही बनती है, ये वैसे नहीं खाए जाते हैं, इससे खीर ही बनाई जाती है। बहुत अच्छी इसकी खीर बनती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आपने कभी नहीं बनाई हो तो किराने की दुकान से जब आप चावल लो तो ये बोलकर लेना कि स्पेशल खीर वाले चावल दे दो, तो वो आपको दे देगा और बहुत ही अच्छी इसकी खीर बनती है। जैसे नॉर्मल चावल से हम खीर बनाते हैं ना उसकी इतनी अच्छी नहीं बनती है, इस चावल में चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं खीर इसी की बनाती हूँ। तो खीर बनाने के लिए मैंने क्या किया था, ये वाला चावल, 1 कटोरी चावल लिया था, इसको अच्छे से साफ करके धो के और इसको मैंने पानी में भिगो दिया था नहाने से पहले, तो आधा घंटा हो गया इसको तब भिगोया था मैंने। और कल मैंने नमकीन चावल बनाए थे तो मेरी एक फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया था कि आप चावल को भिगो लिया करो, एक तो वो पकेगा अच्छे से और गैस भी कम लगेगी।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो चावल हम खाते हैं नमकीन चावल बना के या वैसे खिलवा चावल बनाते हैं, तो वो बासमती चावल का टुकड़ा है उसको अगर मैं भिगो देती हूँ तो वो बहुत ज्यादा गल जाता है, इसलिए मैं उसको भिगोती नहीं हूँ, तुरंत साथ के साथ धो के और उसको पकने के लिए रख देती हूँ, वो बहुत जल्दी बन जाता है। क्योंकि चावल की वैरायटी कई तरह की होती है, अलग अलग होती है, तो जो टुकड़ा होता है वो बहुत जल्दी पकता है, इसलिए मैं उसको नहीं भिगोती हूँ। हाँ, खीर वाले चावल होते हैं, इसको मैं आधा घंटा पहले भिगोती हूँ, क्योंकि ये साबुत चावल है और थोड़ी देर में पकता है। तो खीर बनाने के लिए अब मैंने 2.5 गिलास पानी लिया पतीले में और इसको उबलने के लिए रख दिया है। ये पानी उबल जाएगा तब इसमें मैं ये चावल डालूंगी, तो मैंने रख दिया, ये उबल जाएगा। पानी बिल्कुल मेरा अच्छे से उबल गया है और इसमें ना थोड़ा सा पानी है, इसमें आधा गिलास आप देख सकते हैं हिल रहा है ये वाला, और ये चावल के साथ ये मैं इसमें डाल दूंगी सारे चावल, और गैस का फ्लेम कर दूंगी बिल्कुल कम और इसको पकने के लिए रख दूंगी। और ये जितना पानी है ना, ये चावल पानी ज्यादा लेता है, अगर मैं इसको खाली दूध में उबलने के लिए रख दूं ना तो फिर तो ये सारा दूध ही जल जाएगा, खीर नहीं बनेगी, इसलिए इसको ना कम पानी में पकाना पड़ता है इस चावल को। तो अब मैं गैस का फ्लेम करके और इसको ढक के पका दूंगी, ये 10 मिनट लगेंगे इसमें सारे, और ये चावल फूल के बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा और सारा पानी इसका खत्म हो जाएगा। तब तक मैं इसको पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चावल हमारे बिल्कुल पक गए हैं, ये देखिए अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, और अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे चम्मच से ही इसमें मैश करती हूँ चावल को, ताकि हमारी जो खीर बनेगी बिल्कुल घुल जाएगी और पानी इसमें अब है नहीं। और अब मैं इसमें डालूंगी दूध, और दूध इस पतीले में मैंने उबाल लिया है, क्योंकि तो इधर जब इसको रखा था तो दूसरे चूल्हे पे मैंने दूध रख दिया था उबलने के लिए, क्योंकि ठंडा दूध डालेंगे तो एक तो इसकी तासीर खराब हो जाएगी, दूसरा इसको बनने में टाइम लगेगा, और अब इसमें उबला हुआ दूध डालेंगे तो ये खीर बहुत अच्छी बन जाएगी। और अब इसमें मैं डाल दूंगी दूध, तो दूध इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही डलेगा, बेशक हमने चावल को पानी में पकाया है, तो मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। अब बड़ा पतीला हो गया है, कटोरी से ही डालना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जो जगह है ना वो कम है, डल नहीं रहा है। और गैस का फ्लेम कर दूंगी अब मैं तेज, और ये इस चावल की जो हम खीर बनाते हैं ना, जब आप दूध डालोगे तो एक बार आपको ऐसा लगेगा कि काफी है, खीर जो है ना सही लग रही है, लेकिन नहीं, इस चावल की जो खीर बनती है ना, जैसे जैसे ठंडी होएगी ना बिल्कुल गाढ़ी होती चली जाएगी, इसलिए जब भी आपको जिस हिसाब की खानी हो ना उससे थोड़ी सी ज्यादा पतली कीजिए, तब ये ठंडी होने के बाद जैसी आपको चाहिए वैसी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ खीर थोड़ी गाढ़ी कम खाते हैं, थोड़ी पतली खीर खाते हैं, तो इसमें मैं दूध ज्यादा डालूंगी। अभी देखो अभी ऐसा लग रहा है इतनी पतली, लेकिन अभी इसमें और डालूंगी तब जाकर ये इतनी होगी। और दूध मैं कभी नाप करने डालती हूँ, कितना डालना है बस डाल दिया, पीना है सो खीर में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए बिल्कुल जो खीर है ना ऐसी लगेगी आपको कि ये तो सिर्फ दूध ही हो गया, इसमें चावल नहीं है, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा एक खदका लगेगा ना और ये उबलेगी थोड़ी सी, गाढ़ी होती चली जाएगी। और चीनी को मैंने साफ कर लिया है, क्योंकि चीनी में मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ होता है, तो मैं उसको बिल्कुल साफ कर लेती हूँ। और मीठी खाते थोड़ी सी ज़्यादा, खीर कम मीठी इनको पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी ली हुई है और मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि ये जो पतीला है ना ये भी मेरा यहाँ इतना हो गया है खीर का। और चीनी डालने के बाद अब इसको मैं 2 से 3 उफान आने तक इसको उबालने के लिए, और उसके बाद मैं इसमें अभी काजू और बादाम थोड़े से डाल देती हूँ, साथ में वो भी डाल देती हूँ। बादाम नहीं डालूंगी क्योंकि बादाम ना मुझे पसंद नहीं है और किशमिश मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैं सिर्फ काजू ही डालती हूँ इसमें, बाकी और कुछ नहीं डालती। वैसे किशमिश आप डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक चीज़ बच्चे को पसंद नहीं और दूसरी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को अवॉइड कर देती हूँ, सिर्फ काजू डालती हूँ। और ये देखिए काजू को ना मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया है, साबुत नहीं रखा है, और इसी में डाल दूंगी। आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे बच्चे ना मैं डाल भी देती हूँ और इतनी उसमें एक्स्ट्रा मेहनत भी करो, फिर ये खाते तो है नहीं, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। फिर मैं भी सोचती हूँ एक तो इतनी महंगी है डालूंगी, फिर ऊपर से ये नखरे भी करेंगे, तो इससे अच्छा मैं रखने देती हूँ डालती हूँ।
तो अब मैंने इसमें काजू भी डाल दिए हैं और इसमें एक उफान आ चुका है, 2 से 3 उफान आने तक और इसको मैं पका लूंगी और फिर गैस को बंद कर दूंगी। खीर हो जाएगी हमारी तैयार। फिर अब मैं बनाऊंगी सब्जी और रोटी, क्योंकि खीर थोड़ी सी ठंडी होने के बाद ही खानी चाहिए, तो मैं इसको थोड़ी सी ठंडी होने के बाद रखूँगी, क्योंकि इतनी गर्म खाई भी नहीं जाएगी, फिर ये थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी ठंडी होने के बाद। तब तक मैं सब्जी रोटी बना लेती हूँ और फिर आपसे करती हूँ कुछ बातें। तो फ्रेंड्स, सब काम खत्म हो गया है और आज मैंने यहाँ पे मशीन रख ली है। ये वाला सूट आज मैं बनाऊंगी। ये सूट मैंने कल बनाना था, पर कल अनुज स्कूल से लेट आया था ना, तो इस वजह से बहुत दिमाग में टेंशन हो गई थी, फिर मेरा मन नहीं किया सूट सिलने का। और वैसे भी ना फिर सारे काम मेरे अस्त व्यस्त हो गए थे, मन नहीं किया करने का। जब अनुज स्कूल से आया और फिर ये दोनों पापा बेटा भी सोनीपत चले गए, उसके बाद मेरे सारे काम खत्म किए थे, और काम करने के बाद फिर मन ही नहीं किया कि मैं मशीन रख लूँ। फिर मैंने जो टाइम बचा ना उसमें नीटिंग ही की थी कल, और शाम को कल दूध भी मुझे ही लेने के लिए जाना था, क्योंकि वैसे तो ये लेकर आते हैं डेली दूध, तो कल मुझे जाना था क्योंकि ये फिर लेट आए थे 8 बजे के करीब, तो उससे पहले दूध तो चाहिए था। तो मैं यहाँ पीछे जाके सरदारों का डेरा है, वहाँ से दूध लाना होता है, तो मैं अनुज के साथ जाकर दूध ले आई थी। तो मैंने नीटिंग ही की थी कल, और आज इस सूट को मैं बना लूँगी। आज मैं इसको पूरा ही सिल कटूंगी, चाहे कितने बजे तक सिलूँ, इसको मैं पूरा बनाऊँगी, क्योंकि शादी बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और अभी मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। बच्चों के जूते वगैरह अभी दिलवाने के लिए मुझे जाना है, इनके कपड़े दिलवा कर लाऊंगी जो इनको चाहिए होंगे। और ये मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं ना, खुद शॉपिंग करने जाते ही नहीं है, मम्मी साथ जाएगी ना तो ही कुछ लेकर आएंगे, अपनी पसंद से कुछ भी नहीं लाते हैं ये। और मेरे पास जो है ना 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनका जवाब देती हूँ आज। एक तो ये आया हुआ है कि आपकी शादी कब हुई थी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? तो फ्रेंड्स, मेरी शादी 1998 यानी 3 अप्रैल 1998 को मेरी शादी हुई थी, और मेरी शादी के बाद 2 दिसंबर 1999 को विशाल का जन्म हुआ था, और ठीक उसके 3 साल बाद मेरा अनुज हुआ था। और मेरा पास दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि आप पूजा नहीं करते क्या, मतलब ये सुबह इतने सारे काम होते हैं तो आप पूजा कब करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने राधा स्वामी का नाम लिया हुआ है, तो जो राधा स्वामी को मानते हैं वो जैसे धूप बत्ती करना, पूजा पाठ करना, ये सब नहीं करते हैं। जो सतगुरु ने नाम दिया है उसका ही जाप करते हैं, उसी को सिमरते हैं, तो वही मैं करती हूँ। तो हमारे सत्संग में यही बताया जाता है कि सुबह 3 बजे के बाद जैसे ही आपकी आँख खुलती हैं, अगर आप नहा धो के सिमरन करते हैं तो ध्यान अच्छा लगता है, अगर बगैर नहाए धोए करते हैं तो ऐसे बैठ जाते तो आलस जल्दी आता है। पर मैं सुबह उठ के नहीं नहा पाती हूँ, मैं तो ऐसे ही बैठ जाती हूँ, तो जितना भी मेरे से होता है 2 मिनट 5 मिनट इतना तो मैं कहती नहीं कि मैं इतना करती, मेरे से इतना नहीं होता है, पर मैं थोड़ा बहुत भजन सिमरन ही करती हूँ और भगवान को बहुत मानती हूँ। भले ही मैं ऐसे जैसे मतलब आम पूजा पाठ करते हैं लोग, तो वो मैं नहीं करती हूँ, ऐसे करती हूँ। और फिर शाम को भी यही होता है, शाम को भी राधा स्वामी वाले जो होते हैं वो दिया बत्ती नहीं करते हैं, वो सिमरन ही करते हैं, क्योंकि सदगुरु ने नामदान दिया होता है तो उसी का जाप करना होता है, तो वही मैं करती हूँ। और मेरी शादी से पहले मैं ना व्रत भी रखती थी, मंदिर भी जाती थी, सब काम करती थी। फिर मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो यहाँ पर ये सारे सत्संगी हैं, तो इनके घर में ना कोई मंदिर जाता था और ना ही ये पूजा पाठ करते थे, व्रत वगैरह भी नहीं करते थे। तो यहाँ आने के बाद कुछ दिन मैंने किए थे, लेकिन फिर यहाँ इनको अच्छा नहीं लगता था किसी को भी, ये हमेशा मेरे ससुर भी यही कहते थे कि भूखे पेट भजन नहीं होता है, भोजन करके भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, पेट जब भरा होता है तभी भगवान याद आता है, खाली पेट में तो भोजन ही याद आता है, इसलिए तुम भूखी मत रहा करो, खाना खा लिया करो। तो मैंने उनकी बात मान ली थी और मैंने यहाँ के व्रत वगैरह छोड़ दिए थे। और फिर 2007 में मैंने खुद भी राधा स्वामी का नाम लिया, और उसके बाद तो फिर मैंने व्रत किए नहीं है। हाँ, एक व्रत मैं करती हूँ अब भी, जन्माष्टमी का, जन्माष्टमी व्रत मैं अब भी करती हूँ, मैंने नहीं छोड़ा है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा नहीं मानती, इसलिए मैं जन्माष्टमी का व्रत करती हूँ। और मेरे मन में भी है कि मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ और शिरडी भी जाना चाहती हूँ। ये मनोकामना मेरी कब होगी ये मैंने भगवान पर ही छोड़ दिया है। वैसे मैं यहाँ पर जाकर भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ, भले ही मैं सत्संगी हूँ फिर भी मेरा मन है, तो मैं कभी ना कभी तो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही करते हैं हम सत्संगी तो पूजा,
और भगवान को बहुत मानते हैं, उसमें विश्वास बहुत रखते हैं, क्योंकि भगवान के बिना इंसान का अस्तित्व नहीं होता है। तो आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।